कक्षा 10 के समस्त छात्र सरस्वती नमः। इस संस्करण अगले आप लोग बिहारी के अगले दोहों की ओर बढ़ते हैं। अंतिम 13, 14 तथा 15 दो छंद जो रह गए थे 3, तो इनका अध्ययन आप लोग करेंगे। आप लोग पिछले जिन भागों में जो पढ़ा है वीडियो में आप लोग देखें, जो भी त्रुटियाँ हों उनको आप लोग यहाँ विद्यालय में आके आप लोग सुधार कर सकते हैं, पूछ सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं, उनका उत्तर दिया जाएगा। आज फिर पुनः अपनी पुस्तकें या इस वीडियो के माध्यम से अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। जो चाहत चटक न घटे मैलो हो नमित, रज राज सुन छुआई तो नेह चीक ने चित। बिहारी जी, इसमें में मित्रता के में धन संपत्ति रूपी धन का लेन देन नहीं होना चाहिए, इसके विषय पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं। व्याख्या है, जो चाहत चटक न घटे, यदि हे मनुष्यों आप लोग चाहते हैं माने मित्रता की चमक दमक बनी रहे, अर्थात मित्रता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, मित्रता में किसी भी प्रकार की खामियां न हो, तो फिर से एक बार बिहारी जी का कहना है, यदि आप मित्रता की चाहते हैं, जो चाहत यदि चाहते हैं कि मित्रता में किसी प्रकार की चमक कम न हो, तो अपने मित्र माने मित्रता के उस हृदय में किसी भी प्रकार के मैल को एकत्रित न होने। कैसे? रज राजस न छुआई तो नेह चिकने चित, क्योंकि चिकने नेह स्नेह रूपी चिकने चित माने हृदय पर धूल रूपी संपत्ति, राजस माने संपत्ति का स्पर्श नहीं होना चाहिए। कहने का भाव यह है कि किसी चिकने पदार्थ पर यदि धूल जम जाए तो उसको साफ करने के लिए वो धूल के कारण गंदा मैला हो जाता है, और उसको साफ करने के लिए फिर दोबारा उसको साफ करके देखा जा सकता है। उसी प्रकार यह भी है, मित्रता भी उसी प्रकार की है। मित्रता यदि आप मित्रता में चमक दमक चाहते हैं, तो अपने चित्र हृदय को मित्रता में किसी भी प्रकार का मैल मन में एकत्रित न होने दें, और नेह चिकने चित और स्नेह रूपी चिकने हृदय में रज राज संपत्ति रूपी धूल का स्पर्श अर्थात लेन देन नहीं होना चाहिए। मित्रता लक्ष्य आप लोगों का यह खंड के अंतर्गत काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सबसे इसमें मित्रता की चमक दमक बनी रहे, इसलिए बिहारी जी ने मित्रता के मित्र के हृदय में किसी भी प्रकार का मैल ना होना चाहिए, इसको व्यंजित किया है। दूसरा रूपक अलंकार है, राजसुरज संपत्ति रूपी धूल स्नेह रूपी चिकने हृदय, इसमें रूपक अलंकार, और चाहत चटक अनुप्रास अलंकार, दोहा छंद शांत रस प्रसाद गुण अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। बुरा बुराई जो तज तो चित खरो डरान, ज्यो निकलंक मयंकुलख गनय लोग उत्पात। यदि इसमें बुरे लोगों की बुराइयों को तजने छोड़ने पर उसके विषय में सज्जन लोगों के तर्क क्या है, उस पर बिहारी जी ने प्रकाश डालते हुए कहा है, बुरे लोग यदि अपनी बुराई को छोड़ते हैं तो चित माने हृदय, सज्जनों का हृदय डरात माने
सज्जनों के हृदय में निश्चित ही संदेह बना रहता है कि इस व्यक्ति ने, इस बुरे व्यक्ति ने अपनी बुराइयों को क्यों छोड़ा है। यह संदेह संशय सज्जनों के हृदय में अवश्य बना रहता है, क्योंकि जैसे उदाहरण देते हुए बताया है, ज्यो निकलंक मयंक, लख मयंक माने चंद्रमा को निष्कलंक देख करके, लख माने देख करके, निष्कलंक देख करके गन्नय लोग उत्पात, व्यक्ति निश्चित ही उत्पात होने का संदेह कर लेते हैं कि आज रात्रि में निश्चित ही उत्पात होगा। तो उस विषय पर, उसी ही प्रकार पर बुरे लोगों के हृदय में जिन बुराइयों का वास होता है, यदि उनको त्यजते हैं, छोड़ते हैं, तो सज्जन लोगों के हृदय में संदेह अवश्य बना रहता है। बुरे बुराई में जो जो ता ता रा इत्यादि में अनुप्रास, इन सब में अनुप्रास अलंकार है, और सज्जनों के हृदय में बुरे लोगों के पक्ष में संदेह व्यक्त किया गया है। दोहा छन शांत रस प्रसाद गुण और मुक्तक शैली है, अविधा शब्द शक्ति। आगे की ओर बढ़ते हैं, अंतिम दोहे की ओर। स्वारथ सुकृत न श्रम व्रथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पछिन न मार। स्वार्थ माने स्वार्थ के वशीभूत होकर, सुकृत माने पुण्यों को, न माने नहीं, श्रम माने परिश्रम, वृथा माने बेकार, विहंग माने पक्षी सोच विचार कर, बाज माने बाज पक्षी, पराय माने दूसरे लोगों के, पानी माने हाथों में, परिमाने पढ़कर, तू उन पक्षियों, अपने जैसे पक्षियों को न मार। फिर से आपका इस पर, लोगों को परवश होने पर, दूसरे के अधीन होने पर जो परिश्रम वो लोग करते हैं, वह निश्चित ही, अर्थात परिश्रम का तात्पर्य है गलत कार्य करते हैं, अपने जैसे लोगों को सताते हैं, तो वह उनके लिए वृथा ही है, उनमें कुछ उनके हाथ लगने वाला नहीं। इस पर, इस बात पर प्रकाश डालते हुए बिहारी जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से, स्वार्थ सुकृत न श्रमो व्यथा, देख विहंग, हे बाज पक्षी, बाज जो तब दिया है अर्थ, हे बाज पक्षी पक्षी, तू जरा सोच विचार कर देख, तुम्हारा परिश्रम उसी प्रकार से वृथा है, क्योंकि तू दूसरे लोगों के अधीन होकर, हाथों में पढ़कर, अपने जैसे बहुत से पक्षियों का वध कर देता है, वह तुम्हारे स्वार्थ है, पुण्य का कार्य नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इस दोहे के माध्यम से औरंगजेब की ओर संकेत किया है, अर्थात उस समय की बात है, विशेष तात्पर्य में आप लोग देंगे, उस समय की बात है जिस समय औरंगजेब के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजा लोग उसके अधीन होकर अन्य दूसरे भारतीय राजाओं को मारते थे, और उन भारतीय राजाओं का, भारतीय राजाओं के द्वारा मारना, उनका परिश्रम, उनका स्वार्थ, उनके जितने भी पूर्ण थे, ये सब वृथा ही था, क्योंकि वो अपने जैसे, क्योंकि ये सारा, इसका लाभ औरंगजेब को ही प्राप्त होना था, और उन भारतीय राजाओं के हाथ में कुछ नहीं लगना था, यही इस दोहे के माध्यम से दर्शाया। फिर एक बार, हे बाज पक्षी, तू जरा विचार करके, सोच विचार कर देख, क्योंकि स्वार्थ बस और अपने पुण्य के लिए जो भी कार्य तू करता है, वह सब परिश्रम तुम्हारा वृथा है, क्योंकि आप दूसरे के हाथों में पड़कर, तू अपने जैसे बहुत से पक्षियों का वध कर देता है, क्योंकि इसमें पक्षियों का, क्योंकि तुमको वहां पर स्वार्थवश तू मारता ही है, और तुम्हारा समस्त परिश्रम व्यर्थ चला जाता है, तुमको पुण्य की भी प्राप्त नहीं होनी, और परिश्रम भी बेकार हो जाने के कारण तो उन पक्षियों को मत मारो। इसलिए इसमें बिहारी का मत है, दूसरे लोगों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत दूसरे बिहारी ने कहा है, अपने लाभ, दूसरों के लाभ के लिए अपने को समर्पित नहीं करना चाहिए। और नंबर दो है, दोहा छन
श्लेष रूपक और अनुप्रास अलंकार लक्षणा शब्द शक्ति तथा मुक्तक शैली। इसी के साथ आपका यह संस्करण समाप्त होता है। अंतिम आपके 14वां तथा 15वां ये दो दोहों के संदर्भ प्रसंग और काव्यशन सौंदर्य समेत आप लोग व्याख्या करेंगे। यहीं तक आपका ये संस्करण था। आपका अगले संस्करण की ओर आप लोगों को अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।